चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रसायन टेस्ट। 2 से 3 पार्ट में आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस में अवेलेबल कराऊंगा। पहले आज रसायन टेस्ट कवर करेंगे, फिर एक वीडियो में हम टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, टेस्ट फॉर फिनॉलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, ये सब कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, रसायन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। देखिए, रसायन टेस्ट का इस्तेमाल करते कब हैं? अपने को पता है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो कोर एलिमेंट्स होते हैं, ये होते ही होते हैं मोस्टली। तो इसका इनके डिटेक्शन की रिक्वायरमेंट अपने को नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सब्सिडरी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे हैलोजन हो गया, जैसे सल्फर हो गया, इन सब का जो डिटेक्शन करते हैं उसके लिए जो टेस्ट यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है कि हैलोजन है कि सल्फर है, उसके डिटेक्शन के लिए टेस्ट यूज, उसको बोलते हैं रसायन टेस्ट। देखिए करते कैसे हैं इन एलिमेंट्स का डिटेक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हम सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास एक फ्यूजन ट्यूब होती है, फ्यूजन ट्यूब होती है, उसमें हम सोडियम मेटल डाल देते हैं, सोडियम मेटल की पीस डाल देते हैं, ठीक है, सोडियम मेटल की पीस डालते हैं और उसमें फिर अपना ऑर्गेनिक सैंपल लोड कर देते हैं, ऑर्गेनिक सैंपल लोड कर देते हैं और इसको फिर हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं और तब तक हीट करते हैं जब तक ये डल रेड कलर की हो ना हो जाए। उसके बाद हीटेड फ्यूजन ट्यूब को हम वाटर में, बीकर में वाटर लेके उसमें ये डाल देते हैं, तो जिससे ये जो फ्यूजन ट्यूब होती है वो क्रैक हो जाती है, फट जाती है, टूट जाती है। फिर इसको हम क्रश करके, ग्राइंड करके, फिल्टर करके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। अब बात आती है रिएक्शन क्या होता होगा फ्यूजन में, फ्यूजन की रिएक्शन क्या होती होगी, ये देखिए। अगर मेरे ऑर्गेनिक सैंपल में सपोज करिए नाइट्रोजन है, भाई कार्बन तो होता ही होता है, तो अगर ऑर्गेनिक सैंपल में नाइट्रोजन है तो क्या बनेगा, NaCN सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में बन जाएगा। और अगर मेरे ऑर्गेनिक सैंपल में सल्फर होगा तो Na2S बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड, और अगर हेलोजन होगा तो NaX भी रहेगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में। अगर सल्फर और नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट रहा ऑर्गेनिक सैंपल में तो सोडियम थायोसाइनेट बन जाएगा, और ये सारे कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं जिससे हमें फर्दर जो नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर का टेस्ट करना हमारे लिए इजी होता है। अब एक एक टेस्ट को हम बताएंगे आपको कि नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, सल्फर का टेस्ट कैसे करते हैं और हैलोजन का कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है कैसे कंफर्म करेंगे। तो अब देखिए, इसके लिए हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू टेस्ट, प्रूशियन ब्लू टेस्ट करते हैं। अभी आपको बताया कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN बन जाएगा। अब इसी सोडियम साइनाइड से हम नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN है तो NaCN का रिएक्शन सबसे पहले हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट से कराते हैं, फेरस सल्फेट से कराते हैं, जिससे हमें सोडियम फेरोसाइनाइड मिलता है, Na4FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड। फिर बेटा इस सोडियम फेरोसाइनाइड का रिएक्शन हम FeCl3, इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ FeCl3 डालते हैं और साथ में थोड़ा सा कॉन्क HCl भी यूज करते हैं जिससे जो प्रूशन ब्लू का जो ब्लू कलर है वो इंटेंस हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भाई नाइट्रोजन का टेस्ट है, हम मान के चल रहे नाइट्रोजन हमारे ऑर्गेनिक सैंपल में प्रेजेंट है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN होगा, इसका रिएक्शन हमने फेरस सल्फेट से कराया तो हमें सोडियम फेरोसाइनाइड मिला। अब इस सोडियम फेरोसाइनाइड में हम थोड़ा सा FeCl3 ऐड करते हैं, साथ में थोड़ा सा कॉन्क HCl भी मिलाते हैं तो हमें बेटा एक कंपाउंड्स मिलता है फेरी फेरोसाइनाइड, और इसी को हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू। इसका कलर होता है ब्लू कलर का और यही ब्लू कलर कंफर्म करता है कि हमारे ऑर्गेनिक सैंपल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब प्रूशियन ब्लू से रिस्पेक्टेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, नाम है फेरी फेरोसाइनाइड, यानी बाहर वाला जो आयरन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 होती है, अंदर वाले आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है। अभी मैं सब प्रूव कर दूंगा। तो फेरी फेरोसाइनाइड, तो यहां +3 यहां पे +2। अब इसको फेरी फेरो ही क्यों लिखा, फेरो फेरी क्यों नहीं लिखा, ये सब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर समझाता हूं। आप कम से कम इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा कि फेरी फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है। ये देखिए, अब मैं प्रूव करता हूं कि ये फेरी क्यों, ये फेरो क्यों, ये +3 ये +2 क्यों है और नाम फेरी फेरोसाइनाइड क्यों लिखा गया, फेरो फेरी साइनाइड क्यों नहीं लिखा गया। तो देखो, आपको पता है ये +2 वाले आयरन है, तो ये देखिए मैंने 3 +2 ले बनाया, +2 आयरन, +2 आयरन, +2 आयरन, +2। थोड़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको यहां आनी चाहिए। और यहां देखिए, एक आयरन +2 से यहां पे 6 साइनाइड लिगेंड ऑक्टाहेड्रली अरेंज है, यहां भी देखिए दूसरे Fe+2, क्योंकि 3 Fe+2 होंगे ना बेटा,
दूसरे एफ ई प्लस टू देखो सिक्स साइनाइड एंड टेट्राहेड्रली अरेंज है, तीसरे एफ ई प्लस टू सिक्स साइनाइड एंड टेट्राहेड्रली अरेंज है। अब आप खुद देखो तीन एफ ई को मिला के, अगर यहां प्लस टू है तो तीन एफ ई को मिला के कितने प्लस हो गए, प्लस का हो गया सिक्स, और एक साइनाइड पे माइनस वन का चार्ज होता है तो छ छ और छ टोटल 18 साइनाइड, तो 18 साइनाइड पे माइनस 18 का चार्ज हो गया। तो ओवरऑल चार्ज अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल चार्ज कितना आया, माइनस 18 प्लस 6 कितना, माइनस 12, कितना आया माइनस 12, यानी इस हिस्से पे टोटल चार्ज आया माइनस 12, यानी ये एनायन है माइनस 12। अच्छा बताइए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो अगर इस जो लार्ज ब्रैकेट के ऊपर टोटल चार्ज आ गया माइनस 12 तो बाहर मुझे प्लस 12 चार्ज लाना पड़ेगा, और प्लस 12 चार्ज लाने के लिए आयरन प्लस 3 के कितने यूनिट चाहिए, 3, 4 या 12, यानी 4 यूनिट से ही आयरन प्लस 3 के, इसलिए एफ ई 4। अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये चार एफ ई प्लस 3 यहां इसी फील्ड में सस्पेंडेड रहते हैं, ये प्रोशन ब्लू का स्ट्रक्चर है। तो आप बताइए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाम पहले किसका लिखते हैं, कैटायन, फिर किसका लिखते हैं एनायन, तो ये पूरा पार्ट एनायन है, माइनस 12 चार्ज लेके बैठा है, और ये कैटायन है तो ये फेरी फेरो साइनाइड, इसको प्रोशन ब्लू बोलते हैं। टेस्ट फॉर सल्फर, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके दो टेस्ट यूज करते हैं बेटा, नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट और लेड एसिटेट टेस्ट। नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट में क्या होता है, आपको पता है अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के बाद हमने बताया था कि Na2S बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। अब इस सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन हम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से कराते हैं, इसका फॉर्मूला भी जरूर याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का Na2FeCN5NO, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसमें कभी कभी आयरन टॉक्सिन स्टेट भी पूछ लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन हमने, भाई अगर सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में Na2S तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में होगा ही, मैंने देखिए यहां बताया कि अगर सल्फर है तो Na2S होना ही होना है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, तो उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जिसमें Na2S है उसको हमने ट्रीट किया सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ, तो बन गया बेटा सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रूसाइड। देखिए बड़ा आसान इक्वेशन होगा, Na2, Na4, CN5 था, NO था, और ये S इस NO के साथ जुड़ गया NOS, तो फॉर्मूला याद करना भी बहुत आसान है, सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रूसाइड, और ये एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है जो कंफर्म करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। दूसरा बेटा लेड एसिटेट टेस्ट, लेड एसिटेट टेस्ट, इसमें क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो भाई हमारे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में Na2S होगा, उसका रिएक्शन अगर हम लेड एसिटेट से कराएंगे तो हमें PBS लेड सल्फाइड का डार्क ब्लैक पीपीटी मिलता है, और डार्क ब्लैक पीपीटी मिलना कंफर्म करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। अब आइए डिटेक्शंस ऑफ बात कर लेते हैं, हैलोजन्स की क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का डिटेक्शन करते हैं। तो देखिए डिटेक्शन ऑफ हैलोजन के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट यूज करते हैं कि भाई अगर हमारे सैंपल में मान लीजिए क्लोरीन रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आपको पता है रिएक्शन करने के बाद NaCl बना होगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन होगा तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaBr होगा, आयोडीन होगा तो NaI होगा। तो जब सिल्वर नाइट्रेट से हम रिएक्शन कराते हैं तो अगर क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या AgCl का कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, अगर ब्रोमीन होगा ऑर्गेनिक सैंपल में तो NaBr AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgBr पेल येलो पीपीटी बनाता है हल्का पीला, और NaI है तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके आपका ब्राइट येलो कलर का पीपीटी देता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है बेटा, जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट लगाते हैं हैलोजन के लिए तो एक बात आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या आपके सैंपल में नाइट्रोजन तो नहीं था ऑर्गेनिक सैंपल में, अगर आपके सोचो ऑर्गेनिक सैंपल में नाइट्रोजन भी है ठीक है तो नाइट्रोजन भी तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रही है। भाई सर नाइट्रोजन है तो आपको पता है NaCN तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में होगा ही होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट उस NaCN के साथ रिएक्शन करके AgCN का वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो इसीलिए जब भी आपको हैलोजन का टेस्ट करना होगा तो पहले आपके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से या ऑर्गेनिक सैंपल से नाइट्रोजन को रिमूव करना होगा या NaCN को रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर नाइट्रोजन होगा तो फिर आपका आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हैलोजन का आपका प्रॉपर आएगा नहीं। इसीलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं अपने ऑर्गेनिक मिक्सचर से, तो जो NaCN सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में है उसका रिएक्शन कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन होगा तो जो NaCN प्रेजेंट होगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में वो नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करने के बाद NaNO3 और HCl बना लेगा, तो नाइट्रोजन की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब बिल्कुल आसान, क्लोरीन है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCl, NaBr, NaI, क्लोरीन है तो NaCl, ब्रोमीन है तो NaBr, आयोडीन है तो NaI, इसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओ, NaCl AgCl का कार्डी वाइट प्रेसिपिटेट देगा, कार्डी वाइट प्रेसिपिटेट आना क्लोरीन कंफर्म करेगा,
हल्का पीला प्रेसिपिटेट आना ब्रोमीन कंफर्म करेगा और डार्क येलो प्रेसिपिटेट आयोडीन कंफर्म करेगा। एक टेस्ट और होता है जो स्पेशली ब्रोमीन और आयोडीन के लिए यूज करते हैं, क्लोरीन गैस टेस्ट। तो जब भी आपको पता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर ब्रोमीन है, अगर ऑर्गेनिक सैंपल में ब्रोमीन है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaBr होगा। तो इस अगर इस सैंपल में, इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर मैं क्लोरीन गैस पास करूंगा तो क्या होगा, क्लोरीन इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन यहां -1 है, यहां ब्रोमीन 0, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती दिखाई देगी जो ब्रोमीन की होती है। और NaI है अगर इस सॉल्यूशन में, भाई अगर आयोडीन है ऑर्गेनिक सैंपल में तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaI होगा, जब हम क्लोरीन गैस उसमें पास कराएंगे तो हमें पर्पल क्रिस्टल ऑफ आयोडीन के मिलेंगे। तो ये क्लोरीन गैस टेस्ट है, केवल लागू होता है ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो ऊपर वाले हैलोजन होते हैं वो नीचे वाले हैलोजन को बड़ी आसानी से क्या कर देते हैं, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। अब स्पेशल केस क्या है कि मान लो हमारे ऑर्गेनिक सैंपल में सल्फर और नाइट्रोजन एक साथ है, सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है, तब हम कैसे इनका टेस्ट करेंगे। तो हमने बताया था आपको कि अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जब हम बनाएंगे उसमें सोडियम थायोसाइनेट होगा, तो सोडियम थायोसाइनेट एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा। तो यहां पे हम दो टेस्ट यूज करते हैं, अगर सोडियम और नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट है दो टेस्ट यूज करते हैं। पहला फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज करते हैं अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट इसमें क्या होता है बेटा, सोडियम थायोसाइनेट में हम फ्रेशली प्रिपेयर फेरिक क्लोराइड डालते हैं जिससे हमें ब्लड रेड कलर का एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है फेरिक थायोसाइनेट। फेरिक थायोसाइनेट फॉर्मूला याद रखेंगे, ब्लड रेड कलर का। तो ब्लड रेड कलर का पीपीटी आना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को अगर मैं FeCl3 के साथ ट्रीट करता हूं और ब्लड रेड कलर का पीपीटी आ रहा है, समझ लो नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट है। और दूसरा है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट क्या है कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट है तो जब हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम थायोसाइनेट होगा उसका जब रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कराएंगे तो हमें थायोसाइनमिक एसिड मिलेगा, HCNS, थायोसाइनिक एसिड। अगर अब इस थायोसाइनिक एसिड का रिएक्शन हम जब कोबाल्ट क्लोराइड से कराएंगे तो हमें ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कोबाल्टी थायोसाइनिक एसिड, कोबाल्टी थायोसाइनिक एसिड का एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा अगर नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट है दो टेस्ट करते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट और कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में FeCl3 डालने में ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिला, इसका मतलब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। या आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला फिर उसमें कोबाल्ट क्लोराइड डाला और आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला, तब भी कंफर्म हो जाता है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है ऑर्गेनिक सैंपल में। तो ये हो गया आपका डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट लसायन टेस्ट। जितनी बातें बताया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उतना आप जरूर याद रखेंगे।